अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक और जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसमें मैं आप दोस्तों को मोबाइल कैमरा की एक ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको शायद आप पहले नहीं जानते होंगे या फिर आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको मोबाइल कैमरा की ऑप्शन जियो टैगिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जियो टैगिंग क्या होती है। फ्रेंड, जियो टैगिंग मोबाइल कैमरा का एक ऐसा फंक्शन है जिसको ऑन करके हम जो भी फोटो बनाएंगे तो उस फोटो में मेटा डाटा खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, यानी जियोग्राफी का लोकेशन उस फोटो में ऐड हो जाएगी। इसका मतलब ये फोटो किस जगह या मकाम पर ली गई है जिसको हम गूगल मैप्स में बड़ी ही आसानी के साथ देख सकते हैं। कुछ स्मार्टफोन्स में ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होती है और कुछ में इसको मैन्युअली ऑन करना पड़ता है। तो आइए जियो टैगिंग ऑप्शन को इस्तेमाल करना भी सीख लेते हैं। जियो टैगिंग फोटो को क्लिक करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन कर लें। तो लोकेशन ऑन करने के लिए मैं मोबाइल का शटर डाउन करूंगा और इधर से मैं सिंपली लोकेशन वाली ऑप्शन को ऑन कर देता हूं और इधर से मैं इसको एग्री कर दूंगा और उसके बाद आप अपने मोबाइल कैमरा को ओपन कर लें और इधर से मोबाइल कैमरा की सेटिंग्स पर क्लिक करके उसको ओपन कर लें और इधर आपको जियो टैगिंग के नाम से ऑप्शन मिलेगी। सिंपली इस स्लाइडर को राइट साइड में करके इसको ऑन कर लें। चलें जी, हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं किसी एक फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें इधर से मैं अपनी पीसी के ही एक फ़ोटो को क्लिक कर लेता हूँ। तो चलें जी, फ़ोटो मेरी क्लिक हो चुकी है। अब मैं सिंपली इस फ़ोटो पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं इस फोटो पर क्लिक करूंगा तो ऊपर मुझे तीन नुक्तों वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी। मैं सिंपली उस पर क्लिक कर देता हूं और अगर आप नीचे गौर करें तो इधर आपको शो ऑन मैप वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी जो कि हमें नॉर्मली फोटो क्लिक करते हुए फोटोज में देखने को नहीं मिलती। जैसा कि मैं नेक्स्ट करके किसी एक और फोटो को देख लेता हूँ। जैसा कि ये मेरे पास फोटो है, अगर मैं इसको क्लिक करके चेक करूँगा तो इधर वो ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमने इस फोटो को क्लिक करते वक्त जियो टैगिंग वाली ऑप्शन को ऑन नहीं किया था। तो चलें जी, अब हम जियो टैगिंग वाली ऑप्शन का फायदा देख लेते हैं। मैं उसी फोटो को दोबारा सामने ले आता हूं और थ्री डॉट्स पर क्लिक करके मैं शो ऑन मैप्स वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और ये देखें जी, मैंने यूं ही उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो गूगल मैप्स मेरे सामने आ चुका है। अब गूगल मैप्स इस तस्वीर की लोकेशन को ट्रैक करेगा और ये देखें जी, उसने मुझे उसकी लोकेशन इधर दे दी है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, आप जियो टैगिंग वाली ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फोटो को क्लिक करके बाद में उसे गूगल मैप पर बड़ी ही आसानी के साथ तलाश कर सकते हो, यानी कि उसके मकाम और लोकेशन को आप बड़ी ही आसानी के साथ देख सकते हो। तो फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मालूमती और इंटरेस्टिंग साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।